शांति, नमस्कार। आज स्टूडियो में पुनः हम सभी आपके सवाल और दादी जी के उत्तर। इस कार्यक्रम में दादी जी के अनुभव युक्त बातें हम सभी सुनेंगे। अनेक कड़ियों को हम सुनते आए हैं। आज हम दादी जी से बहुत अच्छी विजडम भरी बातें सुनेंगे। दादी जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमेशा आप तीन स्लोगन देते हैं। पहला स्लोगन के हिम्मत है बच्चे तो मदद है पिता, मदद है परमात्मा। दूसरा के नियत साफ तो मुराद हासिल। तीसरा सच्ची दिल पर साहब। अच्छा, दूसरा सच्ची दिल पर साहब राजी। तीसरा नियत साफ मुराद हासिल। मुराद हासिल, नियत साफ तो मुराद हासिल। ये तीन स्लोगन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं तो कहते हैं जहाँ इतना झूठ व्याप्त होता है, झूठे संबंध है, झूठे रिश्ते हो गए हैं, तो उसमें सच्चे दिल पर कैसे हम चले, तो इसका स्पष्टीकरण थोड़ा और हो जाए कि जीवन में ये तीन स्लोगन को कैसे यूज किया जाए। स्लोगन शब्द पीछे है। अच्छा, प्रैक्टिकली जी सुनो, हम संसार की बात को अलग रखो जी, पर ईश्वरी परिवार का जो संसार जी 80 साल हो गया सही बात मेरा ही। अभी बाबा जब समर्पण हुआ था वो गरी मैं भी हो गई। अच्छा, ये बाप मेरा खरा है जी, ये मेरा बाप है, क्योंकि सच्चाई ने खींच लिया। सच्चाई ने खींच लिया, ऐसा खींचा एकदम बाप को अजब लगा। पर वो भी और बच्चों को लेके यज्ञ में आया, पर पहले सच्चाई ने। तो सत्यता एक मैग्नेट का काम करती तो है, जो खींचती है। सुनो, पर हिम्मत है। ऐसे परिवार लौकिक ऐसे छूट जाए सहज नहीं है। सहज नहीं है, परंतु तो ऐसा लगा अभी लाइफ की वैल्यू है तो ऐसे होगी। हिम्मत है, बहुत पता नहीं हिम्मत ऐसे तो हिम्मत है। बच्चे मदद बाप, ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा अनुभव है। कई बातें परीक्षाएं आई होंगी, कई आई होंगी, परंतु हिम्मत ने मदद का साथ बहुत दिया है। अच्छी जी, तो वो भी हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, अब वो भी तब भी हुआ है सच्ची दिल पर साहब राजी, मदद तब भी मिली है, कनेक्शन है सच्ची दिल पर साहब राजी। पर सच्ची दिल भी तभी है, नियत तो साफ है, और कुछ बात नहीं है। नियत तो साफ है तो मुराद हासिल, जो संकल्प करो जी। ये प्रैक्टिकली ईश्वरी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में परमात्मा बाप ये अनुभव करा के तो ये पढ़ाई कोई लिखने पाने वाली नहीं है सर। सही बात है, बताऊंगा, मैंने कभी डायरी पेंशन नहीं उठाई है। बाबा ने मना किया था ना आपको? मुझे बाबा मना कहा, सामने सुनेंगी शक्ति आएंगी, लिखेंगी कभी पढ़ेंगी। आपने ये भी मेरा सुन लिया है। जी दादी, जी दादी, लाइफ है ना, ये पूछे तुम क्या किया है पुरुषार्थ, कुछ पुरुषार्थ, कोई मेहनत तो नहीं है, परंतु जैसे अमृत वेला है, नमा शाम का योग है, मिस नहीं करेंगे। दादी, इस एज में भी हमने ये देखा है कि आपको
मैगजीन आदि पढ़ने का बहुत शौक रहता है। माना अभी भी जैसे आपकी एक स्टूडेंट लाइफ ही इस एज में भी हम देखते हैं। अभी मेरे हाथ में दो बुक आए है जी। क्या है, अगर वो बुक मैं नजर से निकालती हूँ तो एक तो अच्छा है, मैं राय दे सकती हूँ जी। दूसरा क्या बोलू, मतलब बात का स्टडी का जितना अंदर मुझे शौक है, देखा हुआ अंगान मैगजीन भी जी, भले योग भी करूं तो मैगजीन यहाँ रखी है, योग पूरा हुआ देखी अच्छा होता है। मैंने एक बारी जब मामा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा तो मामा के खर्चा पर सो जाओ, तो मामा के खर्चा पर मैं इतना अच्छा योग लगता था मामा के खर्चे वाइब्रेशंस। हाँ, तो मैगजीन भी रखी थी तभी मैगजीन को त्रिमूर्ति कहते थे, अच्छा अभी ज्ञान अमृत कहते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्यों रखी है, बाबा देखो तो सही ने क्या लिखते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा कहा, योग भी कर रही थी वो भी साथ में। तो क्या है, जो लिखने वाले है उनको भी कुछ विचार देना हो दे सकते हैं जी, मेहनत करते हैं। दादी जी, एक बार आपका कार्यक्रम चला था फीलिंग ग्रेट। फीलिंग ग्रेट, हाँ जी। और फीलिंग ग्रेट मना हमेशा उस फीलिंग में रहे हम, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी बातें आती है, परिस्थिति आती है, उसमें भी फीलिंग ग्रेट कैसे रहे। जैसे आप सफेद कपड़े पहनते हो, अच्छा, ध्यान लगेगा कोई छींटा ना पड़े। जी जी, थोड़ा भी छींटा पड़ा जी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। जैसे हीरा हम निकलेंगे सच्चा पर अंदर थोड़ा दाग हो, हीरा सच्चा न हो ऐसा नहीं। तो जितना सच्चा बनने के लिए लगन है उतना साहब तो राजी है, परंतु दुनिया को भी प्रूफ चाहिए। सही बात है, प्रैक्टिकल इतनी जो वृद्धि हुई है, मैं जब डायमंड हॉल भरा हुआ देखती हूँ, वैसे जब बाबा आता है तभी होता था, अभी तो हमेशा भरा हुआ है जी। ये किसकी कमाल है, बाबा की कमाल, बाबा के नाले जैसी है, सहज सिंपल, जो कोई अच्छी तरह से धारण करे तो इसलिए मैं चारों सब्जेक्ट में धारणा का शब्द पहले देती हूँ जी। ज्ञान योग धारणा सेवा है, पर मैं धारणा ज्ञान धारण करो योग युक्त रहो तो ऑटोमेटिक सेवा उसमें समाई पर ही है। दादी, इसमें बैलेंस कैसे रखा जाए। बैलेंस न रखना ये अच्छी बात नहीं है, यानी कैसे आखिर वो है ना, तो जैसे मेहनत है बैलेंस रखने। अभी हम लोगों का भी बिजनेस कोई साधारण नहीं है, तो बिजनेसमैन कहे तो बैलेंस कैसे रखो। सही बात, तराजू हाथ में तो बैलेंस कैसे रखो क्वेश्चन है। यहाँ भी ऑटोमेटिक आपके जीवन में जब देखते हैं तो आपके जीवन में दिखाई देता है स्पष्ट कि ज्ञान योग धारणा सेवा चारों का बैलेंस से आप चल रहे हैं, नेचुरल, बिना मेहनत के।
चारों ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चारों में ही फुल मार्क्स लेंगे जी। ऐसे नहीं एक में कम मार्क होएगा, लेकिन शान नहीं है। लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो लगता है मेहनत करनी पड़ रही है थोड़ा। क्या ये चारों को नेचुरल के बजाय मेहनत लगती है इसमें? चारों को नेचुरल है क्योंकि पराने वाला कौन जी, पराई कौन सी है? तो मैं हमें समझती हूँ पराने वाला पराई साथ साथ पहले ब्रह्मन लाइफ की पालना करने वाला भी वही है। और प्राप्ति कितनी है वो पर प्राप्ति बाबा का नाम बाला करके जी किसने दिया जी, नहीं भी बोलू परंतु फिर भी हमारा चेहरा बताता है ये मैंने कहाँ से पाया, किसने दिया, क्या दिया, कहाँ से पाया, क्या पाया है, किसने दिया है, क्या दिया है जी। तो आए माँ बाप की कटरी उतरे पापा की। सच्ची बात है दादी, आप हमेशा कहते हो मैंने पाए तीन रतन, बाबा मोली मधुबन मेरा ये गीत बना दिए। हाँ। और जब मैं क्लास में जाती हूँ कहाँ भी एक ये दूसरा चलते चलते हाँ। ये विदेश में भी मैं जब खाया ये गीत बजाया और मेरे साथ नाचने लगे, चलते चलते कोई मिल गया तो ये किसको हमारे में से, आपको भी पता थोड़ी था जी आपको ऐसे भाग्य मिल जाएगा जी। ये भाग्य भी जैसे भगवान ने मेरा बनाने में जी साथ दिया जी। दादी आप कई बार बच्चों को निश्चिंत करती हो कि क्या बड़ी बात है, हुआ ही पड़ा है। ये जो आप हमेशा एक ताकत भरती है लोगों के अंदर, बल भरती हो कि क्या बड़ी बात है, कुछ है ही नहीं, हुआ ही पड़ा है जैसे, तो कई लोगों का टेंशन समाप्त हो जाता है उससे। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से, क्या बाबा आपको ऐसी प्रेरणा देता है, कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आती है? मीठी बहन जी थोड़ा शांत। मैं किसको भी कहती हूँ इतनी वृद्धि पांडव भवन में पहले जब साकार बाबा तो हिस्ट्री हाल बाबा ने बनाया था इतना छोटा था जहाँ बाबा हमारे संग खाना भी खाता था जी जी, छत के ऊपर भी एक बारी बैठ के हमारे साथ। तो ये सब तभी 200-300 थे, भाई तो 2-4 थे परंतु इतनी वृद्धि हुई है। बाबा के मुरली में आता है यज्ञ चलता ही रहेगा, बच्चे भूख नहीं मरेंगे जी। देख रहे हैं, देखते भी विश्वास न बैठे वो तो अपना, पर देखते देखते कईयों का विश्वास नहीं काम किया है, अभी भी कर रहा है जी। अभी एक भाई बॉम्बे से आया था उसने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, कोई ब्रह्मा कुमारी हो गए 24 घंटा जहाँ था सर, दूसरे दिन भंडारे में गया, इधर गया, ऊपर भी होके आया, अजब लगा उसको खर्चा कैसे चलता है। भंडारे में देखा इतने लोगों ने खाया, किसने पैसा तो दिया ही नहीं, खाना सबको अच्छा मिला। तो मैंने कहा भगवान का यज्ञ है, बाबा ने विश्वास यज्ञ रचा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, इससे ही तो सच्चों की स्थापना हुई है। दादी
कुछ समय पहले जब मैं लंदन आई थी आपके पास में, आपने मुझे एक बात कही थी कि ड्रामा हमारी माँ है। मुझे याद नहीं है पर हाँ, ड्रामा माँ है, हाँ, सेवा बाप है। हाँ, क्योंकि ड्रामा कहके कोई शांत सो नहीं जाते हैं, शांत। अच्छा आगे चल। जी ये एक मैं समझती हूँ। अभी आप कहती है आप लंदन आई थी, मुझे याद नहीं है। हाँ, कल की बात भी याद नहीं है जी। अब क्या करने का? बीती को चित्तो नहीं, आगे की रखो नाश। कल क्या होगा वो उसके लिए मैं अभी सोचूं नहीं, तो कल हुआ सो अच्छा हुआ। लेकिन ये आपकी बात ने मुझे बहुत मदद दिया कि कुछ भी होता था तो मैं यही समझती थी कि जैसे माँ कभी बच्चे का अकल्याण नहीं चाहती है, ऐसे ड्रामा भी हमारा कभी अकल्याण नहीं होगा ही नहीं। हाँ, ड्रामा में की भी नॉलेज में ये संगम युग है, बाकी भी एक दो मूली में आया है। ये जो 100 वर्ष है जी, ये जो सारे कलप में ऐसा 100 वर्ष है, सारे कलप में नहीं है। अच्छा, 100 वर्ष ये जो जब से बाबा आया, 80 वर्ष तो हो गया, बाकी 20 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है। सचुग में इतने लोग नहीं चाहिए, प्रजा भी तैयार हो गई है, नवरत्न भी तैयार हो गए, हाँ, 9 लाख भी हो गए। जी मैं कभी कभी कोई ज्यादा से पूछती हूँ अष्टरत्न में कौन आएगा, कहा तू तो आएंगी ना। मैं पूछती हूँ ना, अब बताओ ना बाबा का कुछ कौन आएंगे। आप तो जरूर आएंगे दादी। वो तो छोरो पर ऐसे पर नहीं, हमारे उम्मीद रखनी चाहिए जी दादी। तो अब आपको कितना समय लगता है क्या ये संगम युग का? बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय। मुझे समय का बहुत वैल्यू है जी। ये समय खुद को तो अपने लिए बहुत जरूरी है, पर सेवा के लिए विश्व सेवा। अभी आप लोग कहेंगे विश्व में संदेश, संदेश तो मिल गया है, बहुत जाएगा, पर तो ये लाइफ क्या है? तो कईयों की लाइफ कहाँ कहाँ, कोई कोई अमेरिका में बैठे भी लाइफ बन गई है जी। आज किसी ने कोई चीज मेरे लिए भेजी थी, मैंने हंसा से पूछा का फलाइन बेचे, नाम अभी मैं क्या बताऊं, वंडरफुल बहन है। अच्छा, अपना घर गृहस्थी भी संभालती है, पर सेवा इतनी वंडरफुल करती है जी। अपनी स्थिति अच्छी बना के बैठी, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका कोई वो न सोचती है न बोलती है न जी। अपने आप प्रॉब्लम मुझे पता है कौन सी कौन सी है, पर नहीं वो नहीं सोचती है। अच्छा, गुप्त योगी बाबा के सहयोगी सेवा में है, बाबा सब ठीक कर देते हैं, उसको विश्वास है। अच्छा दादी, बहुत बहुत थैंक्स आपको इस कार्यक्रम में आप पधारे और हमारे इतने दर्शकों को आपने। मुझे भी पता नहीं कल परसों से आया। हाँ, क्यों गए अभी पता नहीं कहती हूँ, देखो परंतु जो करना है अब कर ले। ख्याल आया फौरन सभा में बैठे है, इसको बोला हरिलाल को, इसको बोलो मेरे से बात कर। जी, समय भी सफल हुआ इसकी खुशी होती है जी, जमा हुई कोई जी। फिर ऐसा समय जिसमें अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले,
क्योंकि एक डायरेक्शन देना, ये पता होगा ना किसने कहा, शी केयर भी करती है, शेयर भी करती है, इंस्पायर भी करती है। अभी केयर करना, शेयर करना, फिर इंस्पायर करना, ताकि वो हल्का वो करके चलता चले औरों को चला रहे। यही दादी आपकी जीवन जो है, केयर करना, शेयर करना, इंस्पायर करना, ये लोगों को जैसे आपकी ओर खींच के ले आते हैं, आध्यात्मिकता की ओर, बाबा की ओर, परमात्मा की ओर खींच के ले आती है। मैं कौन हूँ जो मेरे को खींचेंगे? मैं भी उसका खिलौना हूँ। सारे दिन मैं ऐसी फीलिंग में जैसे बाबा ने अपना खिलौना बना दिया है, खिलौनों को खेल कर रहा है। लेकिन दादी उसमें भी आपकी बहुत ऊंची भावना है ना, सबके प्रति जो ऊंची भावना है, वो ऊंची भावना ही सबको बाबा के तरफ खींच के ले आती है। मिठी बहन, भावना की बात करते हो, एक हमारी मिठी बहन छोटी है, मैं उसके पास सेंटर पर गई थी, तो मैंने जल्दी में मिलके मैं निकल रही थी, तो कहा तुमने भाषण नहीं दिया ऐसा, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तब से लेकर के जहाँ भी जाएंगे भावना है तो भाषण भी देनी है। जी, ऑटोमेटिक होती है। अगर मैं जल्दी जल्दी में हाँ मिली नहीं, थोड़े टाइम में भी भाषण अच्छी दे सकते, अंदर की सारी थी बात। ये जो आज अचानक हमारा आपसे जी समाज चला जी, ये भी भाषण है। बहुत बहुत अच्छी भाषण है। बहुत थैंक यू दादी। सचमुच दादी जी के लिए किसी ने बहुत सुंदर ये बात कही है, शी केयर्स, शी शेयर्स एंड शी इंस्पायर्स। और सचमुच उनके एक एक शब्द इतने विजडम से भरा हुआ, अनेकों को इंस्पायर करता है। योग को डिफिकल्ट नहीं, लेकिन योग को नेचुरल, सरल रीति से अपने जीवन में कैसे लाया जाए, इन बातों के ऊपर उन्होंने जो प्रकाश डाला, साथ ही साथ उन्होंने आज एक बात बहुत अच्छी कही कि अब समय बहुत कम है, समय तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए हमें अपने अमूल्य समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जीवन को सफल करने के लिए, समय को, श्वास को सफल करने के लिए, ताकि जब समय सफल होता है, श्वास सफल होता है, तो एक आंतरिक संतुष्टि हर इंसान को प्राप्त होता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सुंदर ये बातें देखी, और इन्हीं शब्दों के साथ यहां पर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं, और पुनः हम आगे की कड़ी में उनके अनुभव के आधार से बहुत अच्छी बातें पुनः सुनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।